बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपका। हम लेसन नंबर 10 में हैं। पिछले कुछ वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्प्राइट्स और बैकड्रॉप्स के बारे में, कैसे उनको सुंदर पेंट करें, कैसे उनको आकर्षक बनाएं। उसी सिलसिले को आगे चलाते हुए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे हम अपने बैकड्रॉप्स और स्प्राइट्स में टेक्स्ट यानी कि कुछ लिखित चीज़ें डाल सकते हैं। अब ये अधिकतर हम बैकड्रॉप्स में करते हैं क्योंकि हम कुछ मैसेज देना चाहते हैं अपने बैकड्रॉप से, लेकिन आप सोच सकते हैं कि स्प्राइट्स के लिए भी ये लागू होता है। बहुत ही आवश्यक होता है ये अक्सर गेम्स में और बहुत ही आसान है एक तरह से। मान लीजिए कि मैं आपको बैकड्रॉप में टेक्स्ट डालना चाहूँ तो मैं जाके अपने बैकड्रॉप पेंट कर सकता हूँ, और फिर मैं उसके बाद ये एक, मैं इसको अभी ऐसे कर दूंगा, एक टूल है जिसमें कि लिखा हुआ है टी, इसको टेक्स्ट। अब मैं इस टी को दबाऊंगा, आप कहीं भी स्क्रीन पर क्लिक करिए, आप इसको अभी कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं मान ली लिखूँ वेलकम टू माई वीडियो। अब मैं इसको एक बार लिखने के बाद सेलेक्ट कर सकता हूँ, इसको बीच में डाल सकता हूँ या ऊपर डाल सकता हूँ, थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो ऊपर डाल सकता हूँ, इसके रंग को बदल सकता हूँ। मान लीजिए मैंने ये कर दिया, इसका रंग बदल गया। इसके फॉन्ट को बदल सकता हूँ। फॉन्ट बदलने के लिए मुझे फिर से टी सेलेक्ट करना होगा, इसको फिर से सेलेक्ट करना होगा, और अभी मार्कर है बट मैं इसमें सान सेरिफ कर सकता हूँ, मैं इसमें सेरिफ कर सकता हूँ, बहुत सारे इसमें ऑप्शन है। हैंड राइटिंग काफ़ी सुंदर दिखता है, हैंड राइटिंग कर सकते हैं, कर्ली कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद आए कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं मार्कर पे छोड़ दूँ उसको। मज़े की बात है कि जो मैंने आपको पैटर्न फिल के बारे में बताया वो आप टेक्स्ट के बारे में, टेक्स्ट से भी कर सकते हैं। तो आप अगर फिल में जाएंगे, आपको ये एरो चूज़ करना पड़ेगा, फिल में जाएंगे तो मान लीजिए आपने इसका इस्तेमाल किया। अब इन दोनों कलर्स में अगर मैं फिल करता हूँ तो देखिए कैसे इसका रंग दो रंग जैसा हो गया है इस टेक्स्ट का। अब मैं कोई दूसरा पैटर्न लेता हूँ वो भी डाल सकते हैं इसमें, और या फिर मान लीजिए मैं इसको ऐसे डालता हूँ तो ये भी बहुत सुंदर लगता है। इसको मैं बीच में डाल सकता हूँ, देखिए कितना सुंदर ये, कितना सुंदर, कितना आकर्षक ये टेक्स्ट लगता है। जैसा कि मैंने सोच पहले भी कहा, ये हम अधिकतर बैकग्राउंड पे करते हैं, बैकड्रॉप पे करते हैं, पर ज़रूर ये स्प्राइट के ऊपर भी हो सकता है। तरीका एकदम एक जैसा ही है। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। आपसे फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।